Hey everyone, my name is Hitesh and welcome back to the brand new video of our channel. अब ये ब्रांड न्यू इसलिए क्योंकि ये वीडियो बाकी पुरानी वीडियो से काफ़ी अलग है। इसके अंदर मैं आपको पांच ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और जब भी आप इस प्रोडक्ट को देखोगे तो आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वो है वाओ। ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट्स की कलेक्शन है। साथ ही में मैं आपको रियल टाइम वीडियोस दिखाऊंगा जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता होगा और ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मस्त फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारे पहले प्रोडक्ट का नाम है पावर ट्रेड्स। ये एक वाओ कंपनी लेके आती है। ये काफी फेमस और काफी पुरानी कंपनी है। ये 2020 में लॉन्च होने वाला पहला इंटरचेंजेबल कस्टमाइज ट्रैक है। इसे आप एक मॉड्यूलर ट्रैक भी बोल सकते हैं। अब हम इसे मॉड्यूलर ट्रैक क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है इस ट्रैक को जो बनाने का तरीका है वो काफी अलग है। इसमें आप हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि जो आपके घर पे यूज होने वाली चीजें हैं उन सबको ऐड करके इस ट्रैक को अपने हिसाब से कस्टमाइज बना सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो कि आप इसे अपनी क्रिएटिविटी दिखा के एक अलग तरीके का ट्रैक बना सकते हो। इस ट्रैक के साथ में आपको एक ट्रेड व्हीकल मिलता है जो कि एक प्लास्टिक बेल्ट पे चलता है, जो कि बहुत अलग मैकेनिज्म है और इस व्हीकल को आप इंक्लाइन और डिक्लाइन किसी भी तरीके के एरिया पे चला सकते हैं। ये फेमस हुआ है फरवरी 2020 में जब इसे यूके टॉय फेयर में लॉन्च किया गया। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है और यूएस में ये आपको 100-120 डॉलर्स तक की रेंज तक का मिल जाएगा और इंडिया में भी आपको ये अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये 7-8 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। ये बेस्ट और क्रिएटिव ट्रैक है। जब भी ये ट्रैक आता है तो आप इसे बाय ज़रूर करना। ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट एंड क्रिएटिव ट्रैक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट के बारे में थे जिसका नाम है फ्लेयर गन और पबजी M416 जो कि मेरी फेवरेट गन है। बहुत अमेजिंग डिटेलिंग के साथ आपको ये फ्लेयर गन देखने को मिलेगी जिसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, ग्रीन गोल्ड का कॉन्ट्रास्ट और रेड ब्लू का कॉन्ट्रास्ट। दूर से ही आपको मेटल की दिखेगी बट ये एक्चुअली में प्लास्टिक की गन है जिसमें आपको बहुत अमेजिंग डिटेलिंग देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये गन ओरिजिनली जिस तरीके से आती है वैसे ही पाउच में आती है और इसके साथ में आएंगी 3 बुलेट्स। जब आप इस गन को लोड करेंगे तो आप इसके अंदर वो बुलेट इंसर्ट करेंगे, उसके बाद जब आप शूट करेंगे तो एक लेज़र बीम निकलेगी जो कि एक अच्छी चीज़ बनाई हुई है। एक गन को थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देने के लिए आपको ये फीचर दिया हुआ है। इसके साथ में एक बहुत अमेजिंग M416 लॉन्च की गई है जो अभी तक से इंडिया में नहीं आई है। इनफैक्ट इसकी इंडिया में जिसने भी देखा है तो उसकी बहुत तारीफ की है। ये एक ऐप बेस्ड गन है जिसमें आप एक जैकेट भी खरीद सकते हैं। इस गन के साथ में आप Level 3 का हेलमेट भी खरीद सकते हैं। ये एक रिचार्जेबल गन है जिसके अंदर आप 200 जेलीज लोड करके 1x1 नॉन स्टॉप चला सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसकी, वो ये है कि इस गन को आप एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ में जो आपने Level 3 का हेलमेट और Level 3 की जैकेट खरीदी है आप उसे भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इन तीनों को जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली में जब आप इस गन से उस वेस्ट पे शूट करेंगे तो उस वेस्ट की पावर धीरे धीरे कम होगी और जब आप अपनी गन से सामने वाले Level 3 के हेलमेट को हेडशॉट मारेंगे तो उसके हेलमेट से स्मोक निकलेगा। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जब आप उसके ऊपर हिट करते हैं तो उस तरीके से सेंसर एक्टिवेट होता है और काम करता है। ये आई डोंट नो इंडिया में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब भी इंडिया में आएगा आई नो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। इसके बाद हम तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है RC वेनम बोट। ये एक पहली बोट है जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। साथ ही में इसके अंदर आपको मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट जिसके थ्रू आप इस बोट को 50 फीट तक चला सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे जैसे कि आपको वाटर सर्कुलेटिंग फंक्शन मिलेगा, लो वोल्टेज अलार्म मिलेगी और एक अलग से ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। इस बोट के साथ में आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं और इतनी ड्यूरेबिलिटी मिलती है जिसकी वजह से आपको लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। उसमें दूसरा फंक्शन है लो वोल्टेज अलार्म सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अगर बोट आपसे दूर है और आपको डर लगता है कि कहीं ये बैटरी डाउन ना हो जाए, वहीं ना रह जाए, तो इस फीचर के साथ आपको ये मिलेगा कि 1 मिनट पहले
आपको रिमोट बीप देने लगेगा कि बैटरी डाउन होने वाली है, तो आप उसे फटाफट अपने पास वापस ला सकते हैं। मैं ये बोट को पहले चला चुका हूँ, बहुत अमेजिंग स्पीड है, आप जब भी चलाएंगे उसको बहुत मजा आएगा। लेकिन इसकी जो मिनिमम एज रिकमेंडेशन, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि 12 ईयर से कम के लिए मत लेना। ये एक आउटडोर टॉय है, तो आप ये तभी लेना जब आपको लगता है कि आप इसे चला सकते हैं और ज्यादा यूज कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे टॉयज को आप खरीद लेते हैं लेकिन इसको यूज करने का मौका मिलता नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द बेस्ट रॉक क्रॉलर के बारे में। इस रॉक क्रॉलर का नाम है बबल शॉट क्रॉलर। ये एक रिचार्जेबल कार था जिसे आप 4 कलर्स में खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसे किसी भी तरीके से किसी भी साइड पे कैसे भी ड्रिफ्ट करा सकते हैं, यानी कि 6 अलग अलग साइड्स पे ड्रिफ्ट करा सकते हैं। ये आती है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। इसमें आपको लाइट एंड म्यूजिक का फीचर भी मिलेगा, और जो इसका मेन फंक्शन है वो है इंटरचेंजेबल बॉडी, यानी कि आप इसकी बॉडी चेंज करके इसके ऊपर आप बबल मशीन लगा सकते हैं, आप उसे हटाकर इसके ऊपर एक मिसाइल वाली मशीन लगा सकते हैं। बबल मशीन को आपको चलाना बहुत सिंपल है। कार के अंदर छोटा सा टैंक मिलेगा, इसमें आप लिक्विड डाल दीजिए, ऊपर बबल मशीन लगा दीजिए, रिमोट से आप कनेक्ट करके बबल्स निकाल सकते हैं चलती हुई कार से। साथ ही में से चेंज करके आप इसके ऊपर मिसाइल मशीन लगा सकते हैं, जिसमें आपको छोटी छोटी प्लास्टिक की डार्ट्स मिलेंगी जो कि मिसाइल की शेप की होंगी। जब आप इसको रिमोट से प्रेस करेंगे तो वो मिसाइल शूट करेगा। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि काफी टाइम से हम काफी कार चला चुके हैं लेकिन उनमें ऐसा कुछ इनोवेटिव देखने को नहीं मिलता, ये कुछ नया है। इसके अंदर आपको मैकलम व्हील्स का फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप इस कार को 360 डिग्री भी चला सकते हैं। ये कार जल्द ही आपको इंडिया में मिलेगी, और आपको जब भी मिलती है तो इस कार को खरीदना मत भूलना। इसके बाद आता है हमारा लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है फ्लाइट राइडर। इसे एयरऑक्स कंपनी लेकर आई है और बहुत सोच समझ कर लेकर आई है, क्योंकि इस ड्रोन मोटरसाइकिल फ्लायर क्या नाम दे इसका, मतलब कि इस चीज़ में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जिसके लिए आप अलग अलग टॉयज खरीदते हैं। इसे आप नीचे ज़मीन पर चला सकते हैं, इसे आप हवा में उड़ा सकते हैं, इसे आप स्टंट करा सकते हैं। ये एक रिमोट कंट्रोल कैटेगरी में आता है, इसे आप 2-in-1 ड्रोन बाइक भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक तरीके की फ्लाइंग बाइक है। जब आप इसे ज़मीन पे चलाएंगे तो आप नीचे ज़मीन को रनवे की तरह यूज़ करके आप इसे फ्लाई करा सकते हैं। इसे आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन इसका चाइनीज़ वर्जन भी खरीद सकते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है इंडियन मार्केट में। इसकी एज रिकमेंडेशन 10 ईयर्स है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये खरीदें तो इसे इंडोर मत चलाना, इसे आउटडोर में चलाना, क्योंकि जो ऐसी आइटम्स होती हैं वो ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, तो आपको इस चीज़ का अपने पास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा लास्ट और एक्सक्लूसिव ड्रोन बाइक जिसकी वीडियो आपने देखी, और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा, और इनमें से आपका कौन सा फेवरेट टॉय है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। माय नेम इज हितेश एंड यू गाइस आर वॉचिंग टॉयज गुरु। अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट रहता है, मुझसे कुछ भी पूछना रहता है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या मेरे इंस्टा पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्यून्ड।